अवेश भाई, आप यहाँ पे माशाल्लाह फ्रांस में कितने साल से हैं? मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे कितने साल से हैं? यहाँ पे 10 साल हो गए इसको रनिंग करते हुए, 10 साल हो गए। वैसे अवेश भाई, यहाँ पे मैं भी रेस्टोरेंट फील्ड से वाबस्ता हूँ, एक एम्प्लॉय की मिनिमम वेज कितनी है यहाँ पे? ये बहुत खूबसूरत है यार। तनवीर भाई ने जो अपने कमरे में रखे चेक करें, बिल्ली के बच्चे। फिर बता रहा है, छोटा सा था, मैं इसको लेकर आया था अपने पास रियो। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये बम्बई छालिया का डब्बा है। पुर्तगाल में ही नहीं मिलता और फ्रांस में ये मिलता है भाई, अवेलेबल है यहाँ पे। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पहली सुबह जो है फ्रांस में और डोमंट के एक एरिया में हम लोग छोटे टाउन में मौजूद हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, हज़रत उमर बिन खिताब का जो है तमाम जितना भी कानून है वो यूरोप में फॉलो किया जा रहा है। बनिस्बत इस्लामिक कंट्रीज़ के यहाँ पर जो है इंसान की जान, इज़्ज़त, माल की वैल्यू है भाई। और यूरोप के अंदर बच्चों का स्कूलिंग सिस्टम जो है बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, फ्री एजुकेशन सिस्टम है। और अभी तौकीर मेरे को बता रहा था और मैं तौकीर से शेयर कर रहा था कि हम लोगों ने तो तालीम जो हासिल की है बस कंधों में दर्द ही किया है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े जो है रजिस्टर लेके स्कूल जाना, और वो जो तालीम हमने उस टाइम साइंस थीटा कॉस थीटा पढ़ा है वो तो अभी हमारे दिमाग में भी नहीं है, ना किसी काम काज का यहाँ पर हमें इस्तेमाल में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हुकूमत बेयर करती है एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो है तरबियत, बच्चों के साथ घुलना मिलना, उनको खिलाना, उनका दिमागी तौर पे उनको फ्रेश रखना ताकि हेल्दी लाइफ रहे, इस पर बड़ा काम किया जाता है। तो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे, जहाँ घूमेंगे, जो जगह देखेंगे, जो भी सिस्टम होगा मैं आप लोग को दिखाऊँगा। आबो हवा बहुत अच्छी है फ्रांस में, इस टाइम मैं हूँ। पुर्तगाल से आया था, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे जो है चीज़ें एक्सपेंसिव है या नहीं है। कल रात को हमने एक क्विक रेस्टोरेंट था वहाँ से खाना खाया था और हलाल था, वो भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया। ऐसा एटमोसफियर मैंने पुर्तगाल में नहीं देखा था जिस तरह उस रेस्टोरेंट का था। और मुस्लिम कम्यूनिटी बहुत है इधर, खाली पाकिस्तान से नहीं, अरेबिक कंट्री से, अल्जीरिया से, मोरक्को से। चेक करें, बहुत ही खूबसूरत वेदर है, कुशादा रोड, खूबसूरत घर। और अभी इस टाइम जो है हम लोग एक बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो किसी ने बाल कटवाने। बड़े खूबसूरत जो है फ्रांस है, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा और आप लोग इंजॉय करेंगे ये सीरीज़। मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काम शाम भी कैसा है। सुबह हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा शॉप्स के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पे दो लड़के काम कर रहे थे जो कि पुर्तगाल के रेजिडेंट कार्ड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड पे यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं और किस किस तरह का काम मिलता है देसी कम्युनिटी को, और ज़्यादातर लोग जो है बगैर डॉक्यूमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं, तो सख्ती ये नहीं है, ये सारा कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो किर ने कटवाने थे बाल और हम लोग आ गए घर। आप लोगों को मैं जिम दिखाता हूँ, तो किरण ने अपना जिम बनाया हुआ है, आप चेक करें। थोड़ी बहुत मशीनें रखी हुई हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, ये डंपल शंपल। बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। और आप लोगों को मैं तौकीर का कुत्ता दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने भी अभी फ्रांस में ही आके देखा है। रियो नाम है, तौकीर बता रहा है छोटा सा था, मैं इसको लेकर आया था अपने पास रियो। रियो भाई जिस तरह हमारे वहाँ पर बुलडॉग होते हैं उस तरह का है। और तौकीर बोल रहा है मैं इसको छोटा सा था लेकर आया था, रखा हुआ है तौकीर ने यहाँ पर इसको अपने साथ ही। चेक करें आप, बड़ा खूबसूरत वेदर है और माशाल्लाह जो है घर भी जो है बिल्कुल पंजाब वाला सिस्टम बनाया हुआ है, आप चेक करें। रियो बांधा हुआ है बता रहे, बोले अगर खोल दूंगा तो ये भाई काट छाट लेगा। बिल्ली भी एक रखी हुई है तौकीर ने, बोल रहा है इसने बच्चे दिए हैं अभी, बड़ी मासूम सी है, क्यूट सी बिल्ली है, आप चेक करें। आप लोगों को जो बार बिल्ली दिखाई है तौकीर की, उसने भाई बच्चे दिए 3, लेकिन एक बिल्ली की तरह का है, दो अलग है बिल्कुल, है ना बाप पे ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, ये वाला डर के बैठा हुआ ना ये देख इधर।
ये बहुत खूबसूरत है यार। तनवीर भाई ने जो अपने कमरे में रखे चेक करें, बिल्ली के बच्चे वो दोनों अलग किस्म के, ये बिल्कुल अच्छा है ना। कौन सा? वो दोनों अलग है बिल्कुल। वो डरा हुआ किस्सा है वो यार बेचारा, मिक्स हो गया ना। अच्छा वो काकी है, काकी डरी नहीं है। तीन ही बच्चे दिए सिर्फ। हमारे एक साबित है, उनके एक हदीस भी है, उसके मफहूम है, बिल्ली को रखा था तो बिल्ली को खाना वाना देता नहीं था, तो उसको सजा मिली थी। भाई एक महीने के बच्चे हैं ये, एक महीने के, कितने प्यारे हैं। मैं तनवीर भाई खेल ले बिल्ली के बच्चों के साथ। तो भाई ये जो है अपना पहला बच्चा लेके जा रही है बिल्ली, चेक करें आप। बड़ा हो रहा है ना, ले गई पहला बच्चे को जो है, उसने इमिग्रेशन करा दी है। और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, वालिद साहब पे गए ये बच्चे। मजे से पकड़ा नहीं जा रहा है, दे रखी हूँ। तनवीर भाई बाहर छोड़ने गए बच्चों को। अभी भाई हम लोग आए थे बाल छाल कटवाने के लिए, तोकीर को देखे आप बिल्कुल तैयार शैर हो गया है। ये दोस्त है इंडिया से भाई है, क्या नाम है ब्रदर आपका? उस्मान, उसाम। और ये भाई का नाम फाद। ये दोनों भाई हैं तोकीर के दोस्त हैं। ये दोनों वो है ना, वो है। हाँ वो है। और ये जो है बार्बर है, तोकीर इसी से बाल कटवाता है। कपल है, मिलते हैं भाइयों से इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं वापसी घर की तरफ। कितने की कटिंग है तोकीर यहाँ पे? 20 यूरो की कटिंग है। और बाल चेक करें, एक ही बार्बर रखा हुआ है, मैंने भी लिस्बन में और तोकीर ने भी फ्रांस में। बाल छाल कट गए, अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ, शावर वगैरह लेकर तोकीर, उसके बाद निकलेंगे बाहर। और मौसम बड़ा खूबसूरत है, आप लोग स्ट्रीट चेक करें यहाँ पे, कितनी खूबसूरत स्ट्रीट बन गई है। आबो हवा वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, लड़के भी अच्छे थे, 6-7 साल से यहाँ पर हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, फ्रांस के अंदर डॉक्यूमेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसा ही है ना तोकीर? ऐसे ही है। तो वो भाई बता रहे थे 6 साल से वो यहाँ पर हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों ने यहाँ पे लेने हैं तो बहुत मुश्किल है। पुर्तगाल इज बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई अभी तोकीर भाई, मैं और तनवीर भाई जो है चाय बनाई है तनवीर भाई ने, बहुत ज़बरदस्त कराची वाली, उसके साथ निम्कू है, बिस्किट है, बैठे हुए और यूट्यूब पे वीडियो सामने देख रहे हैं हम लोग। आप लोग देखें बहुत खूबसूरत जो है सिस्टम है, कराची की चाय एंजॉय कर रहे हैं। रात के 8:26 हो रहे हैं और बाहर निकले हम लोग, तकरीबन जो हल्की हल्की बारिश चल रही है। और ये जो है मार्केट है, यहाँ से जो है पाकिस्तानी तुलसी और जो छोटा मोटा नेटवर्क चलता है पाकिस्तान में, वो सारा यहाँ से मिल सकता है। और पुर्तगाल में मैंने देखा था तुलसी वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई। और तोकीर हमारे लिए जो है पुर्तगाल लेकर आया था तुलसी और बम्बई, ये सारी चीज़ें नहीं। ये देखें भाई, तमाम जितनी भी हमारे कराची की छालियाँ या कुछ भी चीज़ें, वो जो शौकीन हैं उनके लिए ये हलाल शॉप है, क्योंकि यहाँ से वो ले सकते हैं। तमाम चीज़ें हलाल हैं, चिकन से लेके ईच एंड एवरीथिंग, आटा पानी दाल, मिनी स्टोर बना हुआ है और तमाम चीज़ें हलाल हैं यहाँ पे भाई। तो किन्ने जो लेना था ले लिया, अभी निकलते हैं बाहर। जलेबी भी पड़ी हुई है भाई, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये बम्बई छालिया का डब्बा है, पुर्तगाल में ही नहीं मिलता और फ्रांस में ये मिलता है भाई, अवेलेबल है यहाँ पे। अभी जो है भाई हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए, तो खीर के जो जानने वाले हैं वो इस रेस्टोरेंट पे जो है मैनेजर हैं। और इस रेस्टोरेंट पे भी हम आए हैं तो खीर के साथ, अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो भाई हम लोग जो है रेस्टोरेंट में आए, रेस्टोरेंट का नाम जो है
रेस्टोरेंट इंडियन है, ये रेस्टोरेंट है और इधर हम आ चुके हैं, अभी खाना खाएंगे। ओनर जो है वो इंडियन है और इधर जो मैनेजर हैं वो तकीर के कज़न हैं। अभी इधर खाना वाना खाएंगे हम लोग, बैठे हुए यहाँ पे चेक करते हैं भाई फ्रांस है खाना कैसा है। इंटीरियर तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। अभी जो है भाई ये नान है और नान के साथ जो है ये देखें अचार है, इसके साथ ये चटनी टाइप सॉस है और ये भी इमली की सॉस है। अभी हम लोग जो है लुगोंस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, पेरिस 19 एरिया है और यहाँ पे खाना वाना खा के अभी बाहर हैं। मैं आप लोगों के साथ मैनेजर भी हैं और इस रेस्टोरेंट के पार्टनर भी हैं अवेश भाई, उनसे मुलाकात करवाता हूँ और कुछ सवाल पूछेंगे फ्रांस से रिलेटेड, यहाँ पे वेजिस से रिलेटेड, कब से ये काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, पाकिस्तान में कब आए थे, क्या सिस्टम है और काम कैसा चल रहा है। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है अवेश भाई। अस्सलाम वालेकुम अवेश भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अवेश भाई आप यहाँ पे माशाल्लाह फ्रांस में कितने साल से हैं? मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे कितने साल से हैं? यहाँ पे 10 साल हो गए, इसको रनिंग करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अवेश भाई आप यहाँ पे मैनेजर भी हैं और पार्टनर भी हैं, कैसा काम है पेरिस में? पेरिस में अच्छा काम है माशाल्लाह, जबरदस्त काम, बड़ा अच्छा चल रहा है। खाना आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो कीर मुझसे बार बार बोल रहा था पुर्तगाल के अंदर जो है खाने के जायके नहीं है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा खाना है। वैसे अवेश भाई यहाँ पे मैं भी रेस्टोरेंट फील्ड से वाबस्ता हूँ, एक एम्प्लॉय की मिनिमम वेज कितनी है यहाँ पे? यहाँ डिपेंड करता है कि शेफ है तो उसकी, अच्छा शेफ है तो 2000 तक भी है, 2500 तक भी सैलरी है। ऐसे नॉर्मल बंदा जिस तरह किचन में काम कर रहा है उसकी कितनी सैलरी है? उसकी 1400 से 1500 तक की है। और मतलब यहाँ पे बगैर डॉक्यूमेंट के लोग काम करते हैं? डॉक्यूमेंट वाला लाजमी है बंदा? डॉक्यूमेंट वाला लाजमी है। और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो सब कुछ लगता है लीगल वे में? हाँ, जो सब लीगल तरीका है, जो ऑफिशियल तरीका है वही हम लोग करते हैं। और ये जो आपका रेस्टोरेंट है इसमें मतलब किस किस्म के खाने आप लोग सेल आउट करते हैं? हमारे पास इंडियन है, पाकिस्तानी है, इटालियन रखा हुआ है हम लोगों ने, बर्गर्स हैं, सही, पास्ता वगैरह है सब कुछ। वैसे अवेश भाई अगर इधर पेरिस के अंदर कोई इस तरह का, जिस तरह का आप लोगों का रेस्टोरेंट है, ऐसा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहे, एक वैसे ही नॉलेज के लिए कितनी अमाउंट लग जाती है? जिससे आप इस इलाके में खड़े हैं, इलाका बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। इस रेस्टोरेंट के लिए जो है ना, इसको तकरीबन आपको 1 मिलियन होना चाहिए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख यूरो। सामने वो पार्क भी है, पार्क कौन सा है? पार्क है, पार्क बुशमो है। यहाँ पे सारी बॉलीवुड की फिल्म जो बेफिक्र है, रणवीर सिंह और सबकी शूटिंग यहीं पे हुई है। ये सामने ये बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, पेरिस वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है। पेरिस 19 है ये, पेरिस 19। वैसे अवेश भाई कितना सिटिंग है यहाँ पे? हमारी तकरीबन 17 सिटिंग है, 70 पीपल सिटिंग है, तकरीबन 50 आउटसाइड है हमारी, समर में हम 50 आउटसाइड लगाते हैं। और क्लोज कितने बजे होता है? हम लोग क्लोज करते हैं तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे ओपन होता है सुबह 9:30। मैं देख रहा था गोरे बहुत ज़्यादा बैठे हुए अंदर, गोरे हमारा देसी फूड बहुत लाइक करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूं, अवेश भाई जो हैं वो पार्टनर हैं और इनके साथ जो दूसरे ओनर हैं वो हैं इंडियन, और बड़ा अच्छा इनका खाना है यहाँ पे, पेरिस 19 में रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे भी जो है डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास तभी आप लीगल वे में काम करेंगे। और वर्किंग आवर्स अवेश भाई जैसे 8 आवर्स 40 घंटे 35 आवर्स होते हैं वीक में, 35 आवर्स हैं पुर्तगाल में, 40 घंटे काम है और बड़ा अच्छा सिस्टम है। अभी बस यहाँ से खाना वाना खाया, उसके बाद आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे आगे कहाँ चलते हैं, क्या सिस्टम है। पेरिस में इस टाइम हम मौजूद हैं और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। ये भाई रेस्टोरेंट है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैंने अवेश भाई को बोला कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट आप लोगों को दिखा दें कि किस तरह का बना हुआ है। 70 पीपल की सिटिंग है और ये सामने काशा इसको कहते हैं, पता नहीं फ्रेंच में क्या बोलते हैं अवेश भाई, फ्रेंच में क्या केस, यहाँ केस है, सामने ये बार बना हुआ है, सिटिंग है और एक थोड़ा बहुत इंडियन टच है यहाँ पे, चेक करें सिटिंग आप लोग चेक करें, खूबसूरत बना हुआ है, डिसेंट सा रेड रोजेस भी रखे हैं, रोमांटिक माहौल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत आप लोग चेक करें रेस्टोरेंट ये। तो भाई अभी हम लोगों ने खाना वाना खाया और खाना वाना खाने के बाद जो है हम लोग अभी स्नोकर खेलने जा रहे हैं, मैं हूँ और तोकीर है, और यहाँ पे एक स्नोकर क्लब बना हुआ है लिस्बन में, हम लोग बड़ा खेलते रहे स्नोकर और अभी जो है यहाँ पे स्नोकर खेलेंगे जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ के स्नोकर क्लब कैसे जो है, स्नोकर क्लब आ चुके हैं, मैं आप लोग को दिखाऊँ कितने ज़्यादा टेबल जो है यहाँ पे लगे हुए स्नोकर में, आप चेक करें। नहीं, वो नंबर था, वही नंबर था, ये मेरा हॉस्टल नंबर था।
तो अभी भाई गेम शेम खेल लिया है, स्नोकर खेल के हम लोग बाहर निकले हैं और अभी जो है यहाँ से घर जा रहे हैं। आज का जो दिन था वो आप लोगों के साथ शेयर किया और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी घर जाके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मैं भी थक चुका हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।